के जाम पे। सबसे पहले हमारे पूछो हमने जैसे भैया लोग कही है कैसे आपसे जैसे सर लगा के जैसे कल जनाब सीएम साहब जैसे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है कि येलो पेपर येलो कैप्सिकम जी जी सर और वो हमने उधर से वही है सर पूछ लिया जो पूछ लगा सर मैं कह रहा हूँ जिसको आप ये स्कीम्स जी जी सर हाँ जी हाँ यू शुड चेक दैट के ये ट्रैक्टर जी जी सर दैट ट्रैक्टर शुड बी यूज्ड फॉर दिस फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बिल्कुल वो अब उस कमर्शियल कामों काम कर रहा है मैक्सिमम आपके ट्रैक्टर वही कर रहा है एंड की आई एम देन के कितने साल का इसको बिल होगा मैं वो कर रहे सर इसको चाहिए थोड़ा इसको आप सब्सिडी पे ट्रैक्टर देते हैं तीन साल का सर तीन साल का बिल पीरियड आपने चेक किया जी 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 मुझे मेरे नोटिस में बिल्कुल बिल्कुल डिपार्टमेंट में विजिट किया जाना चाहिए आज हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम आए थे यहाँ देखने के लिए कि किस तरीके से डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग चल रही है जो हमारी मीटिंग है मीटिंग में भी इस बारे में डिस्कशन हमारी हुई कि किस तरीके से बेहतर जो है इस डिपार्टमेंट का लोगों को फ़ायदा मिल सके। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ भी जो हमारी डिस्कशन हुई उनके साथ भी काफ़ी डिटेल बात हुई और उन्होंने भी कहा कि जो स्कीम्स हैं हमारे डिपार्टमेंट की वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनके अंदर जो है ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जितना हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे उससे हमारे लोगों का जो है वो बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम बढ़ेगा और फ़ायदा लोगों को होगा। और इसी कड़ी में यहाँ पे हम पहुँचे थे आज डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की मैंने उनको भी मुबारकबाद दी ये बेहतरीन सफ़र उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काम करके सर्विसेज के थ्रू अपने डिपार्टमेंट की और जम्मू कश्मीर के लोगों की पूंछ के खास कर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। तो जो मेन हमारा मोटिव यहाँ मेरा आने का यही था कि जो स्कीम्स प्लानिंग और वर्किंग डिपार्टमेंट की है वो ग्राउंड पे होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरीके से कहाँ फ़ायदा। मैं ये समझता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये डिपार्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि ये हमारा बेस मजबूत करने वाले डिपार्टमेंट है। अगर ये डिपार्टमेंट सक्सेसफुल 100% हो जाए तो उससे हमारा आम आदमी जो है बेनिफिशियरी होगा हमें इकोनॉमिकली और मैं कहूँगा पोल्यूशन फ्री एरिया और जो हमारा रोज़गार है वो भी लोगों को मिल सकेगा अपने एरिया में। चीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे पूरा भरोसा है कि साथ की आदत से डिपार्टमेंट जो है आगे बढ़ेगा। उनकी कोशिशें हमेशा बेहतर रही है करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और ऐड अप है बेहतर से बेहतर सुविधा जो है लोगों को मिले। इसके बाद एक रिव्यू अभी लेना है कितनी स्कीम्स है कहाँ कहाँ है बेनिफिशरीज कौन रहे किनको फ़ायदा मिला और जिन जिन को पिछले 2 साल से फ़ायदा मिला है उन स्पॉट्स को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वहाँ पे वो फ़ायदा स्टैंड अप भी कर रहा है वहाँ पे चल रहा है जो स्कीम्स के तहत लोगों को इम्प्रूवमेंट्स मिले वो बेहतर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं लोगों को वो सर्विसेज वहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो ये सारा एक कड़ी है जिसको देख के कोशिश करनी है कि पूंछ के अंदर बेहतर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ हो। मैं चीफ साहब का शुक्रगुजार पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि सभी यहाँ पे हाजिर हैं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से इनके एफर्ट्स होंगे और जल्दी हम इसमें एक रिव्यू मीटिंग